नमो बुद्धाय, मैं विक्रम, आपका स्वागत है अपना विहार अपनी आवाज में। आप भी हमारे साथ त्रिशरण पंचशील ग्रहण करें। बुद्धं शरणं गच्छामि। जय भीम। पकड़िए पैर। मैंने पैर बोला, सबने अपना सर पकड़ा है। दर्शकों देखिए, अपना विहार अपनी आवाज। तेन भिक्खुसो होती यावता भिक्खुते परे, विसंग धम्मं समादय भिक्खु होती न तावता। अर्थात दुराचरण युक्त मनुष्य दूसरों से भीख मांगने वाला होने मात्र से भिक्षु नहीं बन जाता है, उसके लिए सदाचार का पालन करना बहुत जरूरी होता है। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं विश्व शांति बुद्ध विहार, जो आता है पुराना शक्करधरा वार्ड नंबर 38 में, नागपुर महाराष्ट्र। किस तरह का ये विहार, ये आपको अभी देख सकते हैं। मैं इस वक्त इसी विहार में मौजूद हूँ। दर्शकों, एक बार फिर से हम विहार में आ चुके हैं और सारे उपासक उपासिकाएं इस वक्त त्रिशरण पंचशील ग्रहण करने के लिए विहार में मौजूद हैं। तो आइए देर नहीं करते हैं और आपसे भी निवेदन है कि आप भी हमारे साथ मिलकर त्रिशरण पंचशील ग्रहण करें। So
दर्शकों, उम्मीद करता हूं कि आपने भी हमारे साथ त्रिशरण पंचशील ग्रहण किया होगा। और अब वक्त हो चला है फिर से एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के उस पार है बोध कथा, गेम, सवाल और भी बहुत कुछ। तो बने रहे आवाज इंडिया टीवी के साथ और देखते रहे अपना विहार अपनी आवाज। 1955 ला शंकर भवानी नियोजित और मैं जिस चीज को कहूँ उसे छुकर दिखाना है। 1954 जी नहीं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है अपना विहार अपनी आवाज में। वक्त हो चला है एक प्यारी सी बोध कथा सुनने का और उससे कोई बोध ग्रहण करने का, ताकि जब जिंदगी में मुश्किलें आए तो यही बोध कथा हमें एक नई राह दिखाती है। ऐसी बोध कथा है आज की, आइए सुनते हैं बोध कथा। हम अक्सर होटल्स में, रेस्टोरेंट्स में जाते हैं, वहां पर हमें कई छोटे बच्चे काम करते हुए नजर आते हैं जिन्हें लोग छोटू छोटू कहकर बुलाते हैं। तो आज की कथा भी ऐसे ही एक छोटू की है। एक व्यक्ति होटल में जाता है और वहां पर उसे इसी तरह का एक छोटू कार्य करते हुए दिखता है। वो अचानक सारे लोगों को छोड़कर उसी व्यक्ति के पास आता है और कहता है, क्या आप मुझे 5 रुपये दे सकते हैं? वो बोले, आपको किस लिए चाहिए? तो वो कहता है कि मुझे एक पेन खरीदना है। तो वह व्यक्ति उससे पूछता है कि इतने सारे लोगों के बीच तुमने मुझसे ही पेन के लिए पैसे क्यों मांगे? तो उसने बड़े मासूमियत से जवाब दिया कि इतने सारे लोगों के बीच में सिर्फ आपके ही पास पेन था, तो पेन का महत्व आप ही समझ सकते हो, इसीलिए मैंने आपसे पेन के लिए 5 रुपये मांगे। उसके बाद उस व्यक्ति और उस छोटू की दोस्ती हो जाती है, लेकिन वो उसे छोटू नहीं, छोटू जी कहकर पुकारता है। और ऐसे ही करते करते 8-15 दिन बाद जब वो व्यक्ति जो उसके कार्य के लिए आया था, वो कार्य खत्म होने के बाद उस शहर से, उस गाँव से वापस जाने लगता है, तब वो उसी छोटू जी को बुलाता है। जब वह व्यक्ति उस छोटू जी को छोटू जी कहकर पुकारता, तो उसका देखकर अन्य लोग भी उसे छोटू जी कहकर पुकारने लगे थे। और आज यही व्यक्ति उसे छोड़कर जाने वाला था। जाने से पहले उस व्यक्ति ने छोटू जी को बुलाया और बड़े प्यार से कहा कि आज मैं जा रहा हूँ और ये 500 रुपये आप ले लो। उसने बड़े प्यार से वो 500 का नोट लिया और कहा, जब उस व्यक्ति ने पूछा कि आप ये 500 रुपये तो आपने लिए, इसका करोगे क्या? तो उसने फिर से एक बार मासूमियत से जवाब दिया कि इन 500 रुपये से सबसे पहले मैं अपनी माँ के लिए एक साड़ी लूंगा और एक चप्पल खरीदूंगा। ये छोटू जी जो होते हैं ना, दिखने में छोटू जी होते हैं, लेकिन ये घर के सबसे बड़े होते हैं। जिस वक्त कांधे पर स्कूल का बस्ता चाहिए, उस वक्त ये घर की जिम्मेदारियों को ढो रहे होते हैं, अपनी जिम्मेदारियों को निभा रहे होते हैं। जहाँ हाथों में किताबें होनी चाहिए, उस उम्र में इनके हाथों में झूठी प्लेटें होती हैं। हमारे आसपास भी ऐसे ही कई छोटू जी आपको नजर आ जाएंगे। तो अब की बार जब आपको कोई इस तरह का छोटू जी नजर आए, तो उससे तमीज से बात कीजिएगा और जिस तरह इस साहब ने उसे प्यार देकर अपना बनाया, उसी तरह आप भी उसे अपना बनाइएगा। दर्शकों, ये थी आज की बोध कथा। उम्मीद करते हैं कि आपको ये बोध कथा जरूर पसंद आई होगी। दर्शकों, अगर आपके पास भी कोई अच्छी बोध कथा है तो आप हमें, ये जो नीचे नंबर चल रहा है व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप हमें अच्छी अच्छी कथाएं भेज सकते हैं। जब आप भेजें तो अपना नाम पते के साथ ज़रूर भेजें, और अगर हमें पसंद आती है तो हम आपके नाम पते के साथ ज़रूर इसे अपने इस कार्यक्रम में शामिल करेंगे। दर्शकों, वक्त हो चला है इस विहार को और अधिक बेहतर तरीके से जानने का। तो आइए इस विहार के उपासक उपासिकाओं से इस विहार के बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं। एक छोटी सी बात तो मैं आपको बता दूं कि इस वक्त आपको जो प्यारी सी महाकारुणिक तथागत भगवान गौतम बुद्ध की प्रतिमा दिख रही है, ये प्रतिमा हम सबको बाबा साहब ने जब धम्म की दीक्षा दी थी उसके 1 वर्ष के लगभग पहले से ही यहाँ पर स्थापित है।
और भी क्या अधिक जानकारी है इस विहार की, आइए सुनते हैं। हा विहाराची निर्मिती सुरुवातीमध्ये 1954 हे विहार एक छोटंसं विहारामध्ये निर्मित केलेलं होतं। त्यावेळेस आमचं हे जुनं कवलाचं होतं। 1955 शंकर भवानी नियोजी त्यांनी जी छोटी ते मूर्ती दिलेली आहे, ते मूर्ती ह्या विहाराला दान दिलेली आहे। आणि त्यानंतर हे जे आपल्या पुढे जे एक वास्तू दिसत आहे, तर ती आम्हाला सतीशबाबू चतुर्वेदी यांनी आपल्याकडून करून दिलेली आहे। आमच्या ह्या विहारामध्ये आणि ह्या परिसरामध्ये एक वाचनालयसुद्धा आहे आणि ते अजूनपर्यंत चालत आहे। आणि पुढं आम्ही याच्या पुढं आम्ही विहाराचे वेगवेगळे याच्यानी माध्यमातून कार्यक्रम घेत राहतो। जय भीम, मी प्रतीक्षा अमरदीप घोडके, विश्वशांती बौद्धविहार प्रगती महिला मंडळाची मी अध्यक्ष आहे। आत्तापर्यंत आम्ही जे कार्यक्रम 14 एप्रिलचा कार्यक्रम राबवतो विजयादशमीचे आणि वर्षवासाचा पण आम्ही कार्यक्रम घेतो आणि आमच्या विहारात शिबिर पण भरवतो आणि याच्या पुढे पण आम्ही असेच कार्यक्रम राबवू। मी वीणा मनोज बनसोळ, जुना चक्करदरा विश्वशांती बुद्धविहार च्या विहारामध्ये जे काही आता कार्यक्रम राबवत होते, आता यापुढे आमची अशी इच्छा आहे की वरती एक हॉल तयार करायचा आणि छोटे मोठे जे कार्यक्रम होतात ते कार्यक्रम गरीब लोक आहेत त्यांना जे जागा नसते ते जागा त्यांचे जे कार्यक्रम आहे ते हॉल घेऊ शकत नाही, तर हॉल बांधून वरती तो कार्यक्रम करावा आणि समोर सौंदर्यीकरण नाही ते सौंदर्यीकरण केलं पाहिजे अशी माझी इच्छा। दर्शको, अपना विहार अपनी आवाज में वक्त है इस वक्त गेम खेलने का। गेम का नाम हमने रखा है भीम का दीवाना। जी हाँ, मैदान सज चुका है और गेम खेलने के लिए सारी उपासिकाएं खिलाड़ी के रूप में इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। गेम क्या है ये मैं आपको बता दूं, गेम के रूल्स आपको बता दूं। हाथ पैर कान नाक सर, इनमें से किसी भी एक चीज को इन्हें छूकर दिखाना है जिसे मैं कहूंगा। कहानी में ट्विस्ट ये है कि इन्हें जय भीम जय भीम जय भीम जय भीम कहना है और मैं जिस चीज को कहूं उसे छूकर दिखाना है और जो सबसे पहले छुएगा वो इस गेम का विनर होगा। आप सोच रहे होंगे बहुत आसान है और इन्हें भी लग रहा है बहुत आसान है, लेकिन दर्शकों गेम शुरू करें उसके पहले एक ट्रायल ले लेते हैं कि सब सही है क्या, ये सभी नॉर्मल है कि नहीं, आप एक बार चेक कर लें। नाक को हाथ लगाएं, कान को हाथ लगाएं, ओके। दर्शकों ये सभी इस वक्त नॉर्मल है, आपने देखा इन्होंने बड़ी आसानी से कर दिखाया है। अब देखना ये है कि अब जब हम गेम शुरू कर रहे हैं उस वक्त ये कर पाते हैं क्या, तो देखते हैं। आइए, आपका समय शुरू होता है अब। पकड़िए पैर, पैर पकड़ने का बोला और सबने अपना सर पकड़ा है। दर्शकों देखिए, ये समझ नहीं पा रहे हुआ क्या है, ये समझ नहीं पा रहे इनके साथ क्या हुआ है। भीम जी का नाम जब हम लेते हैं, जब हम जय भीम जय भीम जय भीम बोलते हैं तो हम उसमें इतने खो जाते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता हमारा सर कहाँ है और पैर कहाँ है। और वही इनके साथ हुआ, इन्हें कहा गया था कि पैर पकड़िए और इन्होंने अपना सर पकड़ लिया और आज भी इस गेम में हमें कोई भी विनर नहीं मिला। अब वक्त हो चला है एक छोटे से प्यारे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले आज का सुविचार। अच्छे लोगों की संगत और अच्छे लोगों का मार्गदर्शन अपने जीवन को प्रेरणादायी बना सकता है, इसीलिए हमेशा अच्छे और सज्जन लोगों की संगत करें। तो इस वक्त फिर से मैं एक बार कहूँगा कि वक्त हो गया है ब्रेक का, अब चलते हैं ब्रेक पे, बने रहे आवाज़ इंडिया टीवी के साथ और देखते रहे अपना विहार अपनी आवाज़। एकोणीसशे चौपन्न जी नहीं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है अपना विहार अपनी आवाज में। अब वक्त हो चला है एक प्यारा सा सामूहिक गीत सुनने का।
सामूहिक गीत हम इसीलिए लेते हैं ताकि सब जब एक स्वर में गीत गाते हैं तो सबके आचार विचार एक से हो जाते हैं और वो जो ध्वनि निकलती है वो तो बस अब आप खुद ही सुनिए ये सामूहिक गीत। माझी प्रथम वंदना सिद्धार्थ गौतमाला, माझी प्रथम वंदना सिद्धार्थ गौतमाला, या दुखी मनवाला मार्ग सुखाचा दाविला, दर्शकों अपना विहार अपनी आवाज में वक्त हो चला है इस वक्त सवाल और जवाब का। देखना यह है कि इस विहार के बारे में ये कितना जानते हैं जिस विहार में ये सालों से आ रहे हैं। सबसे पहला सवाल यह है कि इस विहार की स्थापना कौन से वर्ष में हुई थी, ये कौन बता सकता है सिर्फ हाथ ऊपर करें। 1854 1954 में इसकी स्थापना हुई है ऐसा इनका कहना है। और देखना यह है कि जवाब ये सही है क्या, और इनका जवाब बिल्कुल ही सही जवाब है। जोरदार तालियां इनके लिए। दर्शकों ये विहार की खासियत ये है कि ये विहार बाबा साहब ने हम सबको जब धम्म की दीक्षा दी थी 14 अक्टूबर 1956 में, उसके पूर्व ही इस विहार की स्थापना इस नागपुर शहर में हो चुकी थी। 1954 को विहार की स्थापना हुई और बाद में एक मूर्ति को एक उपासक ने दान किया था, वो जो तथागत की मूर्ति है वो कौन से वर्ष में स्थापित की गई थी ये कौन बता सकेगा, हाथ ऊपर करें। 1954 जी नहीं, एक प्रतिमा को लाया गया था। और कोई बताने वाला है तो दर्शकों मैं ही जवाब दे देता हूँ, 1955 में। जी हाँ, 1955 में इस विहार को एक भगवान तथागत गौतम बुद्ध की प्रतिमा दी गई थी जो आज भी इस विहार में मौजूद है। और अब मेरा अगला सवाल है कि इस विहार का नूतनीकरण जो अभी आज हम देख रहे हैं ये नूतनीकरण कौन से वर्ष में पूरा हुआ। ये विहाराचं नूतनीकरण 2014 मध्ये झालं। जी नहीं, गलत जवाब। और कोई बता सकता है। 2000 मध्ये झालेलं आहे। जी नहीं, चलो ठीक है, सब गेस कर रहे हैं।
इसका जवाब मैं आपको दे देता हूँ, इसका जवाब है 1999 में। 1999 में इसको कंप्लीट किया गया, और आप जो बता रहे हैं, आप मुझे ये पीओपी का बता रहे हैं, और जबकि मैंने विहार का पूछा है, और विहार का मैं, मेरा सवाल था विहार का, विहार का नूतनीकरण 1999 में हुआ था। आखिरी सवाल ये है कि इस विहार के प्रांगण में विश्व रत्न बोधिसत्व परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब की प्रतिमा स्थापित की गई है, वो किस दिन, किस महीने, कौन से वर्ष में और कौन से वार को स्थापित की गई थी? कौन बता पाएगा? इतना डिटेल इसलिए पूछ रहा हूं कि उस पर बाकायदा लेख लिखा हुआ है, शिला पर सब अंकित किया गया है। आप वर्षों से इस विहार में आ रहे हैं, आपने उसे कितनी बार पढ़ा है, कितनी बार समझा है, ये हम जानने का प्रयास कर रहे हैं। कौन बता पाएगा? 20 अक्टूबर 1986 मध्ये झालेला आहे। 20 अक्टूबर 1986। दर्शकों, ये जवाब सही भी नहीं है और गलत भी नहीं है। सिर्फ एक चीज की मिस्टेक हुई है, वो ये है कि इन्होंने 20 अक्टूबर कहा है, जबकि इसका स्थापना का दिन जो है वो 10 अक्टूबर 1986 है। फिर भी एक बार इनके लिए जोरदार तालियां। तो दर्शकों, ये था सवाल और जवाब का राउंड, बढ़ते हैं आगे। दर्शकों, अपना विहार अपनी आवाज में वक्त है इस वक्त शपथ लेने का। जी हाँ, हम सभी मिलकर अब यहाँ पर शपथ लेने जा रहे हैं। जो दर्शक पहली बार देख रहे हैं उन्हें मैं बता दूं कि हम क्या शपथ लेने जा रहे हैं और क्यों लेने जा रहे हैं। और आपसे अनुरोध है, विनती है, निवेदन है कि आप भी हमारे साथ ये शपथ लें। शपथ ये है दर्शकों कि बाबा साहब ने हमें एक आदेश दिया था कि हर बुद्धिष्ट व्यक्ति को सहपरिवार हर रविवार को विहार में जाना ही चाहिए, ये उसका आद्य कर्तव्य है। लेकिन आज देखने में आता है कि कई लोग इस वचन का पालन, इस आज्ञा का पालन नहीं कर पाते हैं, इसीलिए इस आज्ञा का हम कट्टरता के साथ पालन करेंगे। इस तरह की शपथ आज आवाज इंडिया टीवी के माध्यम से, अपना विहार अपनी आवाज इस कार्यक्रम के माध्यम से हम लेने जा रहे हैं। हम सभी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायी, हम सभी बौद्ध जन मिलकर ये शपथ लेते हैं, हम सहपरिवार हर रविवार और छुट्टी के दिन परिसर के विहार में जाएंगे, वहां वंदना करेंगे, यथाशक्ति धम्मदान करेंगे, साथ ही एक दूसरे के सुख दुख में शामिल होंगे। आवाज इंडिया टीवी के माध्यम से हम ये शपथ लेते हैं, नमो बुद्धाय, जय भीम। दर्शकों, उम्मीद करता हूं कि ये शपथ आपने भी हमारे साथ मिलकर ली होगी, न कि सिर्फ ली होगी, बल्कि इस शपथ का मान रखते हुए बाबा साहब की आज्ञा का पालन हम सब मिलकर जरूर करेंगे। दर्शकों, आवाज इंडिया टीवी चैनल आज किसी के परिचय का मोहताज नहीं रहा, और ये सब आप लोगों के सहकार्य और आशीर्वाद, प्यार की वजह से ही संभव हो पाया है। हम प्रयास करते हैं कि आपके लिए बेहतर से बेहतर कार्यक्रम लेकर आए, साथ ही सभी समाज को, बहुजनों को संगठित करने का कार्य भी हम आवाज इंडिया टीवी के माध्यम से करते हैं। तो क्या आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती कि आप इस चैनल को और अधिक मजबूत करने के लिए कुछ करें? दो तरह से कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप चैनल को रेगुलर देखना शुरू करें, दूसरा कि अपने यहाँ पर घर पर, हर घर पर कई साल भर में कई लोगों के जन्मदिन होते हैं, शादी की सालगिरह होती है, या फिर स्मृति दिन आते हैं, और
कई महापुरुषों की जयंती होती है, तो इनमें से किसी भी एक चीज की एक विज्ञापन, एक एड अगर हम चैनल को अपनी ओर से देते हैं तो आप इस चैनल को और अधिक मदद कर सकते हैं, मजबूत बना सकते हैं और अपनी इस जिम्मेदारी को निभा सकते हैं। और इस विहार में भी अपनी इस जिम्मेदारी को कुछ उपासिकाओं ने निभाया है। आइए देखते हैं किन किन ने अपनी इस जिम्मेदारी को इस विहार में निभाया है। आवाज ने टीवी ला जाहिरात देव मी माझी जबाबदारी पूर्ण केली, तुम्ही केले का? आवाज इंडिया टीवी को मैंने ऐड देकर अपनी जिम्मेदारी निभाई, क्या आपने निभाई? आवाज इंडिया टीवी को मैंने ऐड देखे अपनी जवाबदारी निभाई, क्या आपने निभाई? दर्शकों, ये था आज का विश्व को शांति प्रदान करता विश्व शांति बुद्ध विहार, जो आता है पुराना शक्करदरा नागपुर महाराष्ट्र में, जिसका वार्ड नंबर है 38। उम्मीद करते हैं कि आपको ये विहार ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आप भी अपना विहार, अपनी आवाज़ को दुनिया तक पहुंचाना चाहते हैं तो बहुत आसान है। ये नीचे जो नंबर चल रहा है ये व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप हमें आपका एड्रेस व्हाट्सअप कीजिए और अगर हम उधर आते हैं तो निश्चित तौर पर आपके विहार को हमारे इस कार्यक्रम का हिस्सा हम ज़रूर बनाएंगे। आज के लिए इतना ही दर्शकों, मुझे विक्रम को आप दीजिए इजाज़त। फिर मिलेंगे नए विहार में, नई जगह पर और भी ढेर सारी बातों के साथ, लेकिन तब तक आप बने रहें आवाज़ इंडिया टीवी के साथ और देखते रहें अपना विहार, अपनी आवाज़। वार्ड नंबर रखा है 38।